बठिंडा में स्थित श्री सनातन धर्म मोतीराम कन्या महाविद्यालय स्कूल मैनेजमेंट पर उठे सवाल। श्री सनातन धर्म मोतीराम कन्या महाविद्यालय जो SSD गर्ल्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, स्कूल की छात्राओं व उनके परिवार वालों ने स्कूल के टीचर व मैनेजमेंट पर बच्चों से 3,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है। स्कूल स्टाफ व स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने पैसे नहीं मांगे, पर स्कूल में पढ़ रहे गरीब छात्र व और उनके माता पिता का कहना है कि स्कूल के खर्च पूरे करने के लिए स्कूल वालों ने उनसे पैसे मांगे हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्हें बिजली के बिल व RO सिस्टम लगवाना है और टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, इसीलिए स्कूल वाला हर एक बच्चे से 3,000 रुपया लिया जा रहा है। उन्होंने यह बात नकारते हुए कहा कि उन्होंने किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगा है, आगे से हम ये स्कूल ना ही कोई नया बच्चा दाखिल किया जाएगा और ना ही पुराना निकाला जाएगा, और इन्होंने इस आरोप को साफ साफ नकारा है। उन्होंने पहले भी हमसे 1500 रुपये लिए थे और फिर से ले रहे हैं पैसे, और पहले भी 200-200 रुपये लिए थे हमसे। मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे बिजली और आता है और जब मैडम खर्चा चलता है, इसलिए उनसे पैसे ले रहे हैं। खर्चे निकालो जा रहे हैं, खर्चे निकालने के लिए आपसे पैसे सारे खर्चे आपके कहेंगे, आपसे ही मांगे गए। हाँ हमसे भी मांगे, कौन से यही था कि हमें पैसे तो हम मतलब मैडम को देंगे जो प्रॉब्लम है। चलो मैडम ऐसा है ना जी, अभी फिर सू बुलाया गया अभी खुले आए 4-5 बंदे, उन्होंने बच्चे से माँ मम्मी डैडी भी सारे आए, अभी जो मैडम ने गल की तो सू कभी पैसे 3,000 तो भरना पड़ेगा। मैं कहते भरने पैणगे, कहते साढ़े खर्चे के पैसे है, साढ़े स्कूल के टीचर के खर्चे है, जिमें बीजे बिल लै गए तो मैडम घट साढ़े को अभी पूरे कितों खर्चे कड़ने है, जो तुम बच्चे नहीं पढ़ाने तो बच्चे उठा लो, तो अगले साल अभी बच्चे बार के बाहर क्डा अभी तो बच्चे दाखिल नहीं करने, वो कहते सू सिर्फ 5 मैडम साढ़े को है, साढ़े को मैडम घट है, ज़्यादातर सब्जेक्ट अभी पूरे नहीं पढ़ाते, अभी सब्जेक्ट घटावे बड़े जो पूछते हो कहते फंड है किसी चीज़ का, फिर 10 दिन चंगी तरह भी किसी चीज़ से मंगी जाने पैसे। अच्छा तो पहले भी इन्होंने कहा कि पैसे लेने मम्मी मंगते रहे हैं, बच्चे तो हर साल मंगते ही पैसे ही, ये RO ने CRO लगाया जी, साढ़ा खर्चा आंदा जी, असं सहूलत दें जी, असं ये दें वह दें, वैसे गवर्नमेंट तो पैसे लो ना, जो गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छी कोई पैसा नहीं देना किसी को भी, तो फिर पैसे नहीं चार्ज करते मंगते साढ़े का 1500 रुपये भरा लिया जी, उन्हें कहता जी 1500 रुपये और भरोगे नहीं तो पेपर तो बैठने नहीं देने, बहुत बच्चों का पैसे लेते हैं वो कह रहा है कि जेडे पैसे असं ले रहे हैं ना जो जवाकों पढ़ा रहे हैं मैडम फीस भरना है जो उन्होंने फैसला है वो असं उन्होंने मना के जो सरकारी जिन्हें टीचर्स जड़े हैं साढ़े को होंगे मतलब जो रेशो है बच्चों की और टीचर्स की वो असं उन्नेक बच्चे रखा क्लैरिफिकेशन दो भी किस चीज़ का मंग रहे नहीं नहीं असं किसी ने कुछ नहीं मंगया, जो बच्चे फीसा नहीं लेंदे सानू सरकार का यह ऑर्डर है भी 11 तरीक तक हर बच्चे की फीस जमा करानी है, नहीं कराएंगे तो बच्चे का नॉन पेमेंट करके या जो कोई बच्चे छुट्टी दे तो उन्होंने नाम इंडिपेंडेंट है जवाब है ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ।